भी भेजेंगे ना जी। कादिर खान मंदोखेल साहब जी। जनाब स्पीकर, किश्वर जरा साहिबा ने तफसील से आपके सामने की है। आइन का आर्टिकल 25 ये कहते हैं इक्वलिटी ऑफ पर्सन, तमाम इंसान बराबर है। उससे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबों में फरमाया था कि काले को गोरे पे, गोरे को काले पे फोकियत हासिल नहीं है। तो फिर क्यों यहाँ पे इस्लामाबाद में 17 ग्रेड के स्कूल की टीचर की तनख्वाह 20,000 है, और फिर एक अदारे जो कि मैं ऑलरेडी हमारी कमेटी में पढ़ 70 लाख रुपए तनख्वाह है, और जेट स्पेशल जेट उसके लिए, मैं सुई गैस की बात कर रहा हूं, सुई सर्दन की। और फिर आईबी की अगर मैं बात करूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, अगर इस्लामाबाद की और पंजाब की सैलरी अलग है, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध की अलग है, तो यही हमारी गुजारिश है कि आप इस्लाम की रूह से देख ले, आइन के आर्टिकल 25 की रूह से देख ले, आप एक मसावी हुकूक दे दे। क्यों मुलाजमतों के बीच में किसी के 70 लाख तनख्वाह है, और स्कूल टीचर जो 1792 है इस्लामाबाद की, उनकी जो हमारी कमेटी ने डायरेक्शन दिए, तो किसी नादान ने हाई कोर्ट गए, दूसरे भी हाई कोर्ट से गए, उनको यह नहीं पता कि यहां सुप्रीम कोर्ट का वकील इसके कमेटी को लीड कर रहा है। आपको हम हाई कोर्ट के फोरम में बताएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट के फोरम में बताएंगे, और आपको इस चीज पे कायल करेंगे कि आप जो जालाना हरकत करे हो, ये आपको नहीं होने देंगे। बहुत अहम बिल है जी, नाउ मैं पुट करता हूं जी।